तो क्या हाल चाल आप सभी के Samsung Galaxy A52s 5G। अब ये जो फोन है ना, मैं वीकेंड पे था, मतलब 3 दिन की ऑफ लेके रखी थी मैंने, और मैं लोनावला गया हुआ था, और लोनावला में चल रही है मस्त बारिश, मस्त कोहरा, एकदम जीरो विजिबिलिटी और मजे ही नेचर के एकदम अलग। और वहां पर सबसे जरूरी चीज अभी फिलहाल बताऊं क्या है, एक वाटरप्रूफ प्रॉपर फोन, मतलब जो बारिश वगैरह होए आपके फोन को कोई तकलीफ नहीं, आप झरने वरने पर हो, मतलब वाटरफॉल वगैरह पर हो, कहीं भी आपका फोटो खींचने का मन हो, तो वहां पर आपको वो डिवाइस एकदम परफेक्ट बैठेगा। तो यहां पर मेरा 7 डेज का रिव्यू बताऊंगा Samsung Galaxy A52s को लेकर, और रही बात इसके अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस को लेकर, तो यहां पर आपको सबसे पहले मिलता है आपका डिवाइस, जिसके ऊपर आपको कोई भी स्क्रीन गार्ड प्रोटेक्टर वगैरह लग के नहीं आता है, ना ही कोई बैक केस कवर है। तो मेरी तरफ से यहां पर Samsung को एक छोटा सा फीडबैक है कि भाई इतनी छोटी सी चीज है, कस्टमर को इतनी सी चीज के लिए, मतलब होता है ना, शिकायत का मौका मत दो, और हम जैसे रिव्यूअर को भी मौका मत दो, एटलीस्ट सस्ता तो सस्ता ही, वो जो TPU कवर आता है वो डाल के दे दो। और जो ब्लैक कलर वाला वेरिएंट है ना, उसे मैंने 32,800 के आसपास बिकता हुआ देखा है। तो वहां पर आपको HDFC के कार्ड वगैरह है, जिस पर आपको 3,000 रुपए का कैशबैक वगैरह भी देखने मिल जाता है। सबसे पहले इसकी बिल्ड वगैरह को लेकर बात करेंगे, तो पीछे की तरफ प्लास्टिक बैक देखने मिलता है, और यहाँ पर जो साइड फ्रेम्स है ना, ये भी आपको कंप्लीट प्लास्टिक फ्रेम में मिल जाते हैं। और इसके अंदर आपको हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, यानी कि एक सिम कार्ड और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो आप एट अ टाइम पर, या फिर 2 सिम कार्ड आप लगा पाओगे। तो यहाँ पर है ना, अगर फोन के फर्स्ट इंप्रेशन में या फिर इन हैंड फीलिंग को लेकर बात करूं, तो सबसे पहली बात 189 ग्राम का है, हैवी फोन बिल्कुल नहीं लगता है, एकदम कंफर्टेबल फोन है, और वन हैंडेड भी आराम से यूज कर सकते हो। और है ना, सबसे मेन बात है कि मोस्ट ऑफ ब्रांड है ना 3.5 mm जैक को टाटा बाय बाय कर दे रहे हैं, बट यहां पर आपको 3.5 mm जैक का गड्ढा मिल रहा है। टाइप सी का पोर्ट है, स्पीकर ग्रिल इस तरफ आपको मिलती है, और सामने की तरफ आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले मिल जाती है। तो सिंपल में यहाँ पर इस फोन की जो इन हैंड फीलिंग है वो काफी ज्यादा दमदार और अच्छी निकल कर आती है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं लगती। यस, यहाँ पर आपको मेटेलिक फ्रेम मिलता तो एक अच्छा ऑप्शन देखने मिलता, मतलब एक अच्छी लुक निकल कर देता, इन हैंड फीलिंग और ज्यादा अच्छी हो जाती। और बाकी यहाँ पर इस फोन के अंदर में जो पावर हाउस मिलता है, यानी कि इसके अंदर जो प्रोसेसर मिलता है, वो है स्नैपड्रैगन का 778 5G प्रोसेसर है, और इसके अंदर जो रैम आती है वो LPDDR4X वाली रैम है, और यहाँ पर आपको UFS 2.1 की स्टोरेज मिल जाती है, और इसी प्राइस में आपको दूसरे ब्रांड 3.1 की स्टोरेज इजीली प्रोवाइड कर देते हैं। बट यहाँ पर है ना, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि लाइक ऐप ओपनिंग में कोई पंगे आ रहे हैं, या फिर ऐसा लैग जैसा मिल रहा है, वो बिल्कुल मुझे महसूस नहीं हुआ, और एकदम सही तरीके से काम करता है। बाकी इस फोन के अंदर जो डिस्प्ले है ना, वो 6.5 इंचेस का फुल HD सुपर एमोलेड 120Hz के साथ में आपको डिस्प्ले मिलता है, और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन आपको मिल जाती है। और यहाँ पर जो डिस्प्ले की पीक ब्राइटनेस है वो 800 nits की निकल कर आती है, और टच सैम्पलिंग 240Hz का है, और साथ में आपको HDR10+ वाला डिस्प्ले है, बट नेटफ्लिक्स पर अभी फिलहाल ये HDR के कॉन्टेंट प्ले नहीं कर सकता है। सो होप सो कोई नई अपडेट रोल आउट हो और उसके अंदर ये प्ले वाला काम हो जावे। वाइड वन L1 सपोर्ट है, यानी कि फुल HD का कंटेंट आप इजीली प्ले कर सकते हो। तो इंडोर विजिबिलिटी में तो किसी तरीके के पंगे नहीं है, और डायरेक्ट सनलाइट में भी लेके जाते हो तो वहां पर भी किसी तरीके के पंगे नजर नहीं आते। और साथ में मैं इसे लोनावला लेके गया था, जैसे मैंने आपको बताया, तो वहां पर बारिश वगैरह मस्त में हो रही थी, तो अगर इसके ऊपर डिस्प्ले पर जब पानी के छींटे पड़ते हैं, और तभी भी जब मैं इस फोन को यूज करता हूं ना, तो भी आराम से यूज हो रहा था, ऐसा कोई टच में ज्यादा पंगे नजर नहीं आए। एक आध दो जगह हल्के हल्के हुए थे, मैं वाटरफॉल पे भी यूज कर रहा था इसे, और वहां पे भी टच रिस्पांस काफी अच्छी तरीके से काम करता है। और सुपर एमोलेड डिस्प्ले के मतलब जो कलर्स है ना, वो लिटरली काफी सही निकल कर आते हैं, और यहाँ पर भी सही है, और व्यूइंग एंगल्स में भी किसी तरीके के प्रॉब्लम बिल्कुल नजर नहीं आएगी। और इस फोन के अंदर हमें डुअल स्टीरियो स्पीकर मिलते हैं, यानी कि एक स्पीकर इस तरफ है और एक स्पीकर आपका इस तरफ रहा। तो अगर मैं वॉल्यूम फुल करता हूँ, तो यहाँ से एक आवाज़ आपको मिलेगी, और साथ में यहाँ से भी, मतलब डुअल स्टीरियो स्पीकर है। और जो इसकी स्पीकर की क्वालिटी है ना, वो भी एकदम मस्त और इंटरेस्टिंग निकल कर आती है, मतलब ब्लास्टर और क्लियर स्पीकर मैं इसे कह सकता हूँ। और साथ में 3.5 mm जैक का गड्ढा है ही, तो ईयरफोन वगैरह भी आप आराम से लगा सकते हो। और यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि सैमसंग ने इस डिवाइस के अंदर ज़्यादा कुछ डिज़ाइन को लेकर काम नहीं किया है, ये लोग ने जो लास्ट ईयर का जो A52 था ना 4G फ़ोन, उसी सेम डिज़ाइन, सेम फॉर्म फैक्टर, सभी चीज़ को लाकर आप लोगों को दे दिया 5G के साथ में, एक नए प्रोसेसर के साथ में। तो यहाँ पर जो प्राइसिंग है ना, थोड़ा सा और नीचे जा सकता था हल्का सा, क्योंकि आपको यहाँ पर डिज़ाइन में कोई R&D नहीं करना पड़ा, लास्ट ईयर का डिज़ाइन था वो आपने यूज़ किया है, तो उस हिसाब से देखिए तो थोड़ी सी प्राइसिंग और कम होनी चाहिए थी इस डिवाइस की। मोस्ट ऑफ लोग मुझे एक और चीज़ पूछते हैं कि MHL का सपोर्ट है कि नहीं किसी और अदर डिवाइस में, तो यहाँ पर अगर मैं इसकी बात करूँ ना, तो इसके अंदर आपको MHL का सपोर्ट नहीं मिलता है,
और बाकी इस फोन की जो हैप्टिक फीडबैक्स है ना, लाइक कहूंगा कि ना इसमें वाइब्रेशन वगैरह कुछ भी नहीं है, ना फिर वो प्रीमियम वाला जो होता है ना टक 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 वो कुछ नहीं है। सो यहाँ पर सुपर एमोलेड डिस्प्ले है, तो सिक्योरिटी के अंदर हमें मिलता है यहाँ पर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर। और अगर मैं इसका रियल लाइफ टेस्ट दिखाऊँ आप लोगों को तो देख सकते हो किस तरीके से मिलता है। सो मैं इसे ना ज़्यादा फास्ट भी नहीं कहूँगा और एकदम स्लो भी नहीं कहूँगा। जो ये मेरा अंगूठा है ना, ये दो बार रजिस्टर किया हुआ है तब जाके कुछ इस तरीके की स्पीड फास्टर या जो भी स्लो कह लो या फास्टर कह लो वो निकल कर आती है। और बाकी साथ में यहाँ पर हमें एंड्रॉइड 11 का सपोर्ट मिल जाता है और साथ में वन यूआई 3.1 मिल जा रहा है। सो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि सैमसंग का 30,000 के आसपास आने वाला ये फ़ोन है और इसके अंदर है ना कहूँगा कि ब्लोटवेयर्स भी हमें अच्छे खासे देखने मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पर ये देख सकते हो बायजूस हो गया, स्नैपचैट हो गया, शेयर चैट हो गया, ब्रेन टेस्ट हो गया और भी तीन चार ऐसी एप्लीकेशंस है जो किसी काम की नहीं है, मौज वगैरह भी हो गई। अभी इस डिवाइस के अंदर जो सीपीयू जो प्रोसेसर है ना उसका हम लोग ने टेस्टिंग करके देखा था, तो वहाँ पर सबसे पहले हमने सीपीयू थ्रॉटलिंग टेस्ट करके देखा था जिसका जो स्कोर आप कह सकते हो थ्रॉटलिंग स्कोर 89-90% के आसपास मिल जाता है। यानी कि जो प्रोसेसर है इसके अंदर एकदम सही तरीके से कह सकते हो ऑप्टिमाइज करा गया है। और यहाँ पर हमने एंटूडू बेंचमार्क भी रन करके देखा था जिसके अंदर हमें जो स्कोर मिला 4,90,000 प्लस तक का स्कोर मिल जाता है। और बाकी यहाँ पर नेटवर्क्स और कनेक्टिविटी के हिसाब से देखेंगे तो ये एक 5G डिवाइस है और जिसके अंदर 12 5G बैंड आपको मिल जाते हैं। मैंने मेरा जियो का सिम डाल के इसे यूज कर रहा था और वहां पर मुझे 4G प्लस LTE प्लस शो कर रहा था, यानी कि 4G प्लस के नेटवर्क मिल रहे थे। और है ना इसके अंदर आपको नॉक्स की सिक्योरिटी भी देखने मिल जाती है। जब मैंने फिंगरप्रिंट स्कैनर डाल रहा था तो वहां पर मुझे शो कर रहा था नॉक्स सिक्योरिटी। और यहां पर आपको कैमरा टू API का भी सपोर्ट है और जैसे मैंने बताया IP67 की रेटिंग भी मिलती है जो मेरे लिए काफी सही निकल कर आई। तो यहां पर आपको जो प्राइमरी कैमरा मिलता है वो 64MP का है सोनी IMX682 के साथ में और ये आपको OIS के साथ में मिलता है ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन। और नेक्स्ट आपको 12MP का अल्ट्रा वाइड और 5MP का डेप्थ और 5MP का मैक्रो कैमरा आपको मिलता है और मैक्स 4K 30fps पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो और अल्ट्रा वाइड के अंदर आप 30fps की वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, 60fps नहीं लेके जा सकते। नॉर्मल तो फोटो आप आराम से कर सकते हो लाइक इस तरीके का फाउंटेन या फिर कहीं भी चले जाते हो या फिर बारिश इलाके में आप फोटो खींचना चाहते हो तो वहां पर आप इसे आप इजिली बिना डरे यूज कर सकते हो। मैंने तो फोन है ना बार बार पानी में डुबा डुबा के यूज किया है। आप जो डे लाइट की फोटोग्राफी करते हो और अच्छी तरीके से ऑप्टिमाइज करता है फोटो, अच्छी तरीके से निकाल के देता है, डायनेमिक रेंज भी मुझे सही लगी, तो मैंने मोस्ट ऑफ फोटोज के अंदर सीन ऑप्टिमाइजर ऑन करके रखा था। तो बेसिकली वो क्या कर रहा था ना, फेस के इधर है ना एक अलग सा पैच क्रिएट कर रहा है, पता नहीं क्या था वो, अल्ट्रा वाइड है इसका, वो भी मस्त तरीके की फोटोज निकाल देता है। और जब मैं बारिश में यूज कर रहा था ना इसका जो मेन सेंसर है ना बार बार है ना वो फॉगी हो जा रहा था लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं हो रहा था, एक बात बताना चाहूंगा। और यहाँ पर इसका जो फ्रंट कैमरा मिलता है ना सेल्फी के हिसाब से देखेंगे ना तो वो भी एक मस्त आउटपुट निकाल के देता है डे लाइट के अंदर। और अगर आप ग्रुप सेल्फी करना चाहते हो तो वहां पर आपको अल्ट्रा वाइड मिलता है। बेसिकली क्या करता है, सॉफ्टवेयर ट्वीक है थोड़ा सा, वो क्या करते हैं एक ही आपका सेंसर होता है उसको लाइक थोड़ा सा कम एरिया देखिए बाद में हल्का सा एक्सपांड कर देते हैं, तो वहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि आप अल्ट्रा वाइड यूज़ कर रहे हो जबकि आपका वो मेन वही सेंसर है, मतलब वही एक ही कैमरा आप यूज़ कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पर जो प्रोसेसर है स्नैपड्रैगन 778G, अगर इसका गेमिंग रिव्यू को लेकर बात करूँ तो आपको जो स्टॉक सेटिंग्स मिलती है यानी कि जो सबसे पहले आप BGMI करना चाहते हो, PUBG करना चाहते हो तो स्मूथ और एक्सट्रीम 60fps आप गेमिंग कर सकते हो। कोई GFX कोई कॉन्फ़िग फाइल आपको नहीं डालनी है, डिफॉल्ट आपको स्मूथ और एक्सट्रीम पर आपको 60fps मिल जाता है। हालांकि इसका BGMI PUBG टेस्ट आपको बहुत जल्दी देखने मिलेगा, आई बटन में वीडियो मिल जाएगा जो मैं एक अलग चैनल पर अपलोड करूंगा, यहां पर अपलोड नहीं करूंगा, तो आप उस वीडियो पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में वो लिंक चेक कर लेना, वहां पर आपका इसका BGMI का टेस्ट पूरा कंप्लीट देखने मिल जाएगा। हैवी गेमिंग नहीं पर अगर आपको कैजुअल गेमिंग करनी है तो आप इजीली कर सकते हो। इस फोन के अंदर हमें 4500mAh की बैटरी मिलती है और जो डिवाइस है ना 25W की चार्जिंग को सपोर्ट करता है पर बॉक्स में आपको 15W का चार्जर मिलता है जो सैमसंग ने बॉक्स के अंदर दिया है। तो मैंने ना अलग अलग टेस्टिंग करके देखी थी जिसके अंदर बैटरी ड्रेन करके देखना था मुझे कि कितना देर ये चलता है, तो वहां पर सबसे पहले मैंने ना क्या किया था 40% ब्राइटनेस पे फोन को रखा था और वहां पर मैंने YouTube को 2 घंटा चला दिया और BGMI 1.5-2 घंटा खेला था और वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दी थी 4K 30fps पर जो तकरीबन कुछ चला 3.5 घंटे के आसपास तक और नॉर्मल अपना कैजुअल टाइम पास कर रहा था लाइक इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप वगैरह यूज़ कर रहा था, कॉल वगैरह कर रहा था। तो 7.5 घंटे लगे 100% से 0% होने में ये टेस्टिंग जो मैंने करके देखी थी कि आपका ये फ़ोन है ना एक दिन के ऊपर आराम से चला लेगा, मतलब आपको बस रात को ही चार्ज करना पड़ेगा इस डिवाइस को। और रही बात इसकी चार्जिंग को लेकर कितना टाइम लेता है चार्ज होने में, तो 0 से 100% चार्ज होने में जो टाइम लेता है ना जो बॉक्स के अंदर जो चार्जर आता है उसके हेल्प से वो लेता है तकरीबन 1 घंटा 50 मिनट आपको टाइम लगेगा। और अगर आप लोग
65 वॉट की चार्जिंग करना चाहते हो तो वहां पर ऐसा कोई ज्यादा बड़ा चेंज नहीं है, लाइक कह सकते हो आधा पौना घंटा कम लेगा, तो वहां पर वो 30 से 40 मिनट पहले चार्ज हो जाएगा, मतलब एक घंटा 20 मिनट 10 मिनट के आसपास आपका फोन फुल चार्ज हो जाएगा अगर 25 वॉट का चार्जर अलग से लेते हो या फिर कहीं से यूज करते हो तो। सो अभी यहाँ पर एक फाइनल कंक्लूजन पर आ चुके हैं, तो देखो यहाँ पर ये जो फोन अगर आपको लाइक 33,000 32,000 में ऑफर के दौरान आपको मिल जाएगा और जो इसकी बेस प्राइसिंग 33,000 36,000 रखी गई है, तो अगर आपको ये फोन 33,000 32,000 में आराम से मिलता है तो यस, और आपको सैमसंग का भरोसा है, सैमसंग के लवर हो, तो यहाँ पर ये एक अच्छा ऑप्शन मिल जाता है अच्छे प्रोसेसर के साथ में, या फिर अगर आप इस डिवाइस को यूज कर रहे हो तो आपका क्या एक्सपीरियंस है वो है ना आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि बहुत सारे और यूजर्स हैं जिनको इन फोन्स को परचेस करना होता है और वो इस कमेंट्स भी जाके रीड करते हैं, तो आप लोग कमेंट जरूर करना। बाकी मैं मिलूंगा आप लोगों को और भी इसी तरीके कूल और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ में। सो दोस्तों आज की सगी पाठशाला में मेरी तरफ से बस इतना ही।